हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लम ई ल्यूमिनेंस सिंपल क्लेंजिंग बाम का रिव्यू। बहुत सारे क्रिएटर्स इस बाम के बारे में बात करते हैं एंड मुझे क्लेंजिंग बाम इस्तेमाल करना था। एंड फॉर्चुनेटली प्लम का जब बाय वन गेट वन सेल चल रहा था उस टाइम प्लम ने मुझे एक PR किट भेजा था जिसमें ये वाला क्लेंजिंग बाम था और भी कई सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरी दीदी इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो क्लेंजिंग बाम है, यू ऑल कैन सी आई हैव ऑलरेडी हिट द पैन एंड ये बहुत ही अच्छा एक क्लेंजिंग बाम है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि क्लेंजिंग बाम बहुत ज़्यादा ड्राइंग होते हैं, स्किन पर अच्छी तरीके से रब करना पड़ता है जिससे कि स्किन पर इश्यूज आ सकती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, बट दैट्स नॉट द केस। हाँ, डेफिनेटली ये एक थिक बाम है लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से आपके मेकअप को मेल्ट कर देता है। स्मज प्रूफ लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स, वाटर प्रूफ लिपस्टिक्स, फिर जो भी आपका वाटर प्रूफ मेकअप बेस होता है, फाउंडेशन एंड ऑल, सब कुछ अच्छी तरीके से मेल्ट कर देता है। एंड ग्लिटरी आई शेडोज भी इससे आप रिमूव कर सकते हैं। एंड टू माई सरप्राइज ये वाटर प्रूफ मस्कारास को भी ईजिली मेल्ट करके पूरा रिमूव कर देता है, जिसके लिए मैं इसे जनरली इस्तेमाल करती हूँ। मैं ज़्यादातर उतना ज़्यादा ग्लिटर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करती आई शेडोज पर, जस्ट मैं वाटरप्रूफ मस्कारा इस्तेमाल करती हूँ जिससे ये ब्यूटीफुली रिमूव कर देता है विदाउट एनी हार्श रबिंग एंड ऑल। और आप इसे चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा लेना है, बहुत कम क्वांटिटी चाहिए एंड इसे अच्छी तरीके से अपने पूरे स्किन पर मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इसे कॉटन बॉल से भी रिमूव कर सकते हो इफ़ यू विश, लेकिन मुझे लगता है कि कॉटन बॉल रब करने से ना स्किन पर वो स्ट्रेचिंग एंड ऑल होता है जिससे कि स्किन पर रिंकल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपली मैं इसे पानी से धो देती हूँ। पानी से अगर आप वॉश करते हैं ना फिर भी ये काम करता है, पूरे मेकअप को लेकर ये रिमूव कर देता है। एंड ऑब्वियसली आपको एक क्लेंजिंग बाम के बाद एक फेस वॉश तो जरूर इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं फेस वॉश इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इसीलिए मुझे जो कॉटन बॉल है वो सब इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। कभी कभार जब मैं काजल अप्लाई करती हूँ तो मैं कॉटन बॉल को सिर्फ काजल वाटर लाइन पर, लोअर एंड अपर वाटर लाइन पर कॉटन बॉल को मैं बस उससे रिमूव कर देती हूँ। अदरवाइज आई डोंट यूज़ कॉटन बॉल ऑन माई फेस क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा फेस का जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो आई थिंक ये आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन, ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्लेंजिंग बाम। डेफिनेटली जो भी क्रिएटर्स बोलते हैं ना इसके बारे में गुड पॉइंट्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। इसका जो प्राइस है वो है 545 रुपीज, विच इज़ आई थिंक अ बिट ऑन द हाई एंड साइड, बट मैंने चेक किया है कि इस ये नायका पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है कभी कभार। तो जब ये डिस्काउंटेड प्राइस में रहता है तब आप इसे ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू रीपर्चेज दिस, क्योंकि जब भी मैं कुछ हेवी मेकअप करती हूँ तब आई ऑलवेज प्रेफर टू रिमूव द मेकअप विद दिस क्लेंजिंग बाम। ईजी भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है। ऑल्सो ये 100% वीगन है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, पैराबन फ्री है, सो आई थिंक दिस कैन बी यूज बाय ऑल स्किन टाइप्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए था, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।